सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। 400 मिसाइल दाग दिए गए। इसराइली फौज ने 180 मिसाइलों की तस्दीक कर दी। तल अबीब समेत इसराइल के कई शहर सायरन और धमाकों से गूंज उठे। इसराइली आयरन डोम हमला मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा है, जबकि इसराइली फौज का कहना है हमले में जानी नुकसान हुआ। दिफाई निजाम ने बहुत से मिसाइलों को मार गिराया। मशरिक वुस्ता का अमन तबाह करने वाले इसराइल को सबक सिखा दिया। ईरान ने बड़ा हमला कर दिया। सहयोनी रियासत पर 400 से जायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। ईरान की तरफ से मुतादिद ड्रोन हमले भी होते रहे। ईरानी हमले के बाद तल अबीब और बैतुल मकदस समेत कई इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। मिसाइल जहां गिरे तबाही ही तबाही नजर आई। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों से गैस की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुछ मिसाइल एयरबेस के करीब गिरे जिससे आग भड़क उठी। उधर हिजबुल्ला ने भी दुश्मन के औसान खता कर दिए। लबनान से भी तल अबीब पर कई रॉकेट बरसा दिए। दो तरफा हमलों के साथ साथ इसराइली इलाकों में मजामती ग्रुप भी हरकत में आए। तल अबीब और जाफा में कई मकामात पर फायरिंग कर दी। मजामती ग्रुपों के हमलों में 14 इसराइली शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल, इराक और उर्दन ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।